यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो वही हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 15वां दिन है। ऐसे में जनता बेबस है तो सरकार कोई ठोस कदम उठाती नहीं नजर आ रही। हड़ताल के कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। विपक्ष ने भी इसे लेकर राजनीति करना शुरू कर दिया है और हर दल ने सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन गर्मी के इस मौसम में गंदगी की मार झेल रहे सूबे के लोगों को दिक्कतें शायद सरकार को दिखाई नहीं दे रही। आप ये रिपोर्ट देखिए। एक दो नहीं पूरे 14 दिन। जी हाँ, हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 14 दिन से लगातार जारी है। पूरे प्रदेश में गंदगी का माहौल है। राजनीतिक दल भी सफाई कर्मचारियों के पक्ष में आ गए हैं। गुरुग्राम में तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कचरे के ढेर में बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की फोटो लगाकर अपना विरोध जताया। मीडिया के साथी जानते हैं कि 10-12 दिन से पूरे गुड़गांव में इस प्रकार का गंद फैला हुआ है, महामारी फैलने का। और ये सब्जी मंडी है, यहाँ लोग सब्जियां बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, और ये पूरा गंद पड़ा है। यहाँ सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है कूड़ा हटाने की। पूरा शहर गंद, पूरे शहर में गंदगी फैली हुई है। आज इनको मैं दिखाना चाहता था, इन नेताओं को, ये वैसे तो नहीं आते, मैं इनकी तस्वीर को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ शहर में कितनी भारी गंदगी हो रखी है, लोग कितने परेशान है। पूरे प्रदेश में चल रही सफाई कर्मचारियों के इस आंदोलन को अब दूसरे कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। C2 सर्व कर्मचारी संघ, बिजली विभाग और रोडवेज के कर्मचारी यूनियन भी अब इनके समर्थन में उतर गए हैं। सभी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। बिजली विभाग ने तो अब रोजाना 2 घंटे बिजली का काम बंद करने की भी घोषणा कर दी है। सर्व कर्मचारी संघ के नेता ने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी रोजाना 2 घंटे तक अपने काम को नहीं करेंगे। इसके अलावा रोडवेज के कर्मचारी भी सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देंगे। यदि जरूरत पड़ी तो रोडवेज के कर्मचारी पूरे प्रदेश में चक्का जाम भी कर सकते हैं। आज नगर निगम की हड़ताल है और क्या 14 दिन हड़ताल है जिनका का, और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज पूरे देश में प्रत्येक जिलों पर उपायुक्त के सामने सौ कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के नीचे प्रदर्शन करने रहे हैं। हम ये सरकार से मांग करते हैं सौ कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के नीचे कि जल्द से जल्द नगर पालिका की हड़ताल का समाधान करें, और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जिनकी जो 1360 नौकरी से निकालने की जो बात करी है सरकार, नई भर्ती जो निकालने की बात है, हम ये कह रहे हैं उनको अंदर समायोजित करें, ठेका प्रथा बंद करें, समान काम समान वेतन लागू करें, अन्यथा आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन इस हरियाणा के सरकार के खिलाफ, सड़कों पर 3.5 लाख कर्मचारियों की, उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। तो आज जो है ना, कौन कौन से यूनियन है यहाँ पर? आज 100 कर्मचारी से संबंधित 109 ट्रेड यूनियन, जिसमें आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, पब्लिक हेल्थ, रोडवेज, बिजली बोर्ड, तमाम वन विभाग, अध्यापक संघ समेत तमाम 109 के 9 ट्रेड यूनियन के लगभग सारे जो भी पदाधिकारी है यहाँ, नेता, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों से बातचीत कर मामले को हल करने की कोशिश नहीं की। सरकार की ओर से पहले स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव और बाद में CM स्तर पर भी उनसे बातचीत की गई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अगर सरकार ने जल्द ही इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला तो प्रदेश के हालात किसी भी समय खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।